नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, वेयर कैन इट बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? मोनेरा. मोनेरा. पंजाई भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा पंजाई के अंदर काइटिन भी होता है. यस मैम. नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल भी हो सकते हैं ना, तो दोनों ही हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स आर, क्या होते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स? गौरी, आप आंसर नहीं कर रहे हो बच्चे, आप भी बताओ मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? इंक्लूजन बॉडीज होती है मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स. ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा था गौरी, आपको याद है? बैक्टीरिया जब हम पढ़ रहे थे तो इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा था. इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? क्या होती है इंक्लूजन बॉडीज मैम? उसमें मतलब कुछ भी ये रहता, कंपोनेंट्स रहता है. बैक्टीरिया जो भी अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे तो वो उसे स्टोर कहाँ करेंगे? उनके पास कोई ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होता नहीं है जिसके अंदर वो स्टोर कर सके. तो उनके अंदर क्या होती है? इंक्लूजन बॉडीज होती है ना, जिनके अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपना फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडीज कई टाइप की हो सकती है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं. अलग अलग टाइप के इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको बताए थे. यस मैम. जैसे कि अगर ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया. ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज को हम ग्रैन्यूल भी कहते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल. देन अगर सल्फर कर रहा है तो सल्फर ग्रैन्यूल. ओके, साइनोफाइसिन करते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल भी होता है. साइनोबैक्टीरिया में मोस्टली होता है ये साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल. यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का स्टोरेज होता है. ठीक है, उसी तरीके से एक मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल होता है. मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल क्या होता है? इसे हम वॉल्यूटिन भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट का स्टोरेज होता है. तो फॉस्फेट के स्टोरेज के लिए ग्रैन्यूल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल. क्लियर है? तो मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल क्या है? ये इंक्लूजन बॉडीज होती है बैक्टीरिया में. मेटाक्रोमैटिक नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करके रखते हैं. तो क्या होता है, जब आप इनकी स्टेनिंग करोगे तो ये डिफरेंट कलर शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्हें पर्पल से स्टेन करते हैं तो जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे ये आपको पिंक कलर के नजर आएंगे. तो बहुत ही अलग अलग कलर शो करते हैं, इसलिए इनका नाम मेटाक्रोमैटिक है. क्लियर है? यस मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया. As a group, they exhibit maximum metabolic diversity. ये सही है? गौरी, आप बताओ मुझे ये first correct है और incorrect है? First question, correct है और incorrect है? As a group, they exhibit maximum metabolic diversity. हमने बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट दे आर डाइवर्स इन मेटाबोलिज्म. बहुत ही डाइवर्स होते हैं, है ना? इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत ही सिंपल होता है, बट वो क्या होते हैं? बहुत ही डाइवर्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. आपने एनसीईआरटी रीड नहीं किया है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा. सेकेंड पढ़ते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल
इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर. ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा रिसाइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सबकी रिसाइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं. थर्ड ऑप्शन, तो ये भी करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन क्या है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. ये भी करेक्ट है, क्योंकि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, है ना. आर्की बैक्टीरिया तो एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं हमें, तो ज्यादा कौन मिलते हैं हमें, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्टली पाए जाते हैं. फोर्थ इज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फ्यूजन, बट समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स. इसमें क्या गलत है आप बता सकते हो? मोस्टली तो वो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो करेक्ट है. बट अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स. अनफेवरेबल कंडीशंस, हां वेरी गुड, दिस इज रॉन्ग. यहां पे क्या होना चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन. ओके चलो, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप मेड ऑफ not mode of bacterial reproduction, fragmentation. Which of the following is a flowering plant with nodules containing filamentous nitrogen fixing bacterium? Which of the following is a flowering plant with nodules containing filamentous nitrogen fixing microorganism? इसका आंसर पता है आप लोगों को? मुझे भी देखना पड़ेगा. फर्स्ट ही होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट. हाँ, ये शायद मैंने आप लोग को कल ही पढ़ाया है ना, कैसुअरिना का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, याद है आप लोग को? नॉन लेगमिनस प्लांट्स में ये फिक्स कर रहे थे नाइट्रोजन, एक्टिनोमाइसिट्स जब मैंने आपको पढ़ाया है, चेक करो आप. एक्टिनोमाइसिट्स में मैंने लिखा था कि रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं. नॉन लेगमिनस प्लांट्स में मेनली नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं. फ्रैंकिया का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था. तो नॉन लेगमिनस प्लांट्स कौन कौन से थे, दो एग्जांपल मैंने बताया था आपको, एक था कैसोरिना एलनेस एंड एलनेस, ये दो नॉन लेगमिनस प्लांट्स मैंने बताए थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट कैसोरिना, इक्विसेटिफोलिया. ठीक है, Which of the following is a flowering plant? ये कैसा है, फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि ये नॉन लेगमिनस है. मैंने आपको बताया था विद नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर है? एंड जो एक्टिनोमाइसिट्स था उसका एग्जांपल क्या है, कौन कर रहा था बैक्टीरिया का एग्जांपल, फ्रैंकिया. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच. ये सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से, बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज कॉज कर रहे हैं ये आपको बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, इन सब में से सिर्फ एक ही करेक्ट है आपको वो बताना है. ये आपको पता नहीं होगा, ये मैं बता रही हूँ आपको. साइट्रस कैंकर जो होता है, ये जैंथोमोनास बैक्टीरियम कॉज करते हैं. साइट्रस कैंकर क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस कैंकर नाम से समझो कि साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल ऑरेंज वगैरह होता है, उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ उठे उठे से ऐसे कई बार उसके ऊपर
वो हो जाता, मतलब खराब हो जाता है, जैसे उसके ऊपर ना बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया ग्रोथ है, बट आपको ऐसे नॉर्मली देखने में लगेगा कि ये कुछ हद तक खराब हो गया है, स्किन के ऊपर दाग आ जाता है ना, ऐसा आपने देखा होगा अपने घरों में भी, या फिर कई बार पत्तों के लीव्स के ऊपर भी ऐसे वो स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, साइट्रस कैंकर। आप इसको गूगल में सर्च करना, आपको इमेजेस भी दिखेंगे साइट्रस कैंकर कैसा होता है। तो वो कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया जैंथोमोनास कॉज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं एंड साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें ड्रॉप लाइक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इसे आप गूगल में सर्च करके देखना, ठीक है, कि कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, ये कल भी मैंने आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय दिस डिजीज, ब्लाइट ऑफ राइस। क्या होगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कॉज बाय स्पीसीज ऑफ, आई थिंक जैंथोमोनास होना चाहिए, मुझे क्लियर नहीं है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्किबैक्टीरिया, इनमें से कौन सा नहीं है आर्किबैक्टीरिया, थर्मो एल्केलोफाइल्स। हेलोफाइल्स तो है, मिथेनोजेंस भी है, थर्मोसिटोफाइल्स भी है, हाँ ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नाउ द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम दैट कॉजेस बॉटुलिज्म इज, क्या होता है, क्या होगा ये बैक्टीरियल एक्सपेडिशन में हमने इस चीज को स्टडी किया है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम बैक्टीरिया कैसा होता है, ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट एनएरोबिक का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है ऑब्लिगेट एनएरोबिक का, मतलब वो स्ट्रिक्टली एनएरोबिक है, ठीक है। अगर एयर एयर अगर उन्हें मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली एनएरोबिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम होते हैं वो मोस्टली जो आपके पैक्ड कंटेनर होता है, पैक्ड आपने फूड अगर कोई रखा है काफी दिनों तक ऐसे छोड़ दिया तो उसके अंदर वो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें एयर तो चाहिए नहीं ग्रोथ के लिए, तो अंदर ही अंदर ग्रो कर सकते हैं, है ना। यस मैम, तो मोनेटा के ऊपर हमने क्वेश्चंस देख लिए। अच्छा, हमें प्रोटिस्टा को स्टडी करना है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, हम यूकेरियोट्स यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। जब डिवीजन हुआ था, किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसे किस किंगडम में ऐड किया गया था, प्लांट्स नहीं, मतलब पहले तो जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था तो प्लांट्स से एनिमेलिया थे, तो हमने उनको एनिमेलिया के ग्रुप में रख दिया था, ठीक है। बट वापस से जब थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो एक अलग ग्रुप बनाया गया, है ना,
थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्ट का ग्रुप बना था, याद आ रहे? किसने दिया था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन? हैकल, अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने। तो प्लीज देन किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉपलैंड। हाँ, बट आपको याद नहीं है, आपको देखने की जरूरत पड़ रही है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। याद। फिफ्थ किंगडम किसने दिया था? आदेश विक्टेकर। सिक्स किंगडम? कार्ल वोस। सिक्स किंगडम में क्या ऐड किया था? मैम मैम एक मतलब डिवीजन, हायर हायर टैक्सोनॉमिक थ्री डोमेन सिस्टम दिया गया था ना? यस मैम। क्या क्या थे थ्री डोमेन? आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ओके, सो प्रोटिस्टा को हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस किया। प्रोटिस्टा जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है, प्रोटोस, इसका मतलब होता है वेरी फर्स्ट। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं वेरी फर्स्ट? क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकेरियोट्स हैं। तो सबसे पहले जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा के ग्रुप में रखा गया है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, इनकी यही खासियत है कि यूनिसेलुलर है, बट कैसे यूकेरियोट्स हैं। यूकेरियोट्स का मतलब इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सारे वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होंगे, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। तो सारी चीजें होंगी जो यूकेरियोट्स के अंदर होता है, बट फिर भी ये यूनिसेलुलर है। तो ये कैसे थे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो फर्स्ट टाइम इवॉल्व किए, मतलब अभी ये नए नए इवॉल्व कर रहे थे, है ना, फिर फर्दर इनसे ही आगे ग्रो करके क्या हुआ, हमारे मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स फॉर्म हुए। ठीक है, तो इसलिए प्रोटिस्टा को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट यूकेरियोट्स होते हैं ये। तो प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा वर्ल्ड derived from Greek word, क्या था वो, प्रोटोस, प्रोटोस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, yes, very first। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर है? यस मैम। ओके, एंड प्रोटिस्टा हमारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। आपको ये दो चीजें ही याद रखनी है, जो मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, बट जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स है वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। ये रेयरली मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, बहुत ही कम एग्जाम्पल होगा, ठीक है, मल्टीसेलुलर का हो सकता है, बट जनरली हम इसे क्या पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ही होते हैं ये। तो इनके पास सारे फीचर्स होंगे यूकेरियोट्स के। क्या क्या फीचर्स होते हैं यूकेरियोट्स में? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम कैसा होगा? 80S, 80S।
अच्छा एटीएस यूनिट किन किन दो यूनिट सब यूनिट से मिलकर बनी है? जैसे कि 70S होता है ना, तो 30-50 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है 70S, वैसे 80S किस 40-60 से मिलकर बनी है, ठीक है? ये यूकेरियोट्स होते हैं, तो इनमें माइटोसिस भी होगी, मियोसिस भी होगी, इनका जो डिवीजन का मेथड होगा कैसा होगा, माइटोसिस मियोसिस दोनों होंगी इनके अंदर, ठीक है? और क्या होगा, इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन भी होता है। हमने देखा था कि मोनेरा के अंदर हो रहा था क्या गैमेट फॉर्मेशन? गौरी, मोनेरा के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है? यस मैम। नो मैम। मोनेरा के अंदर गैमेट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। मोनेरा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? मोनेरा के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांस ट्रांसडक्शन, ठीक है? ट्रांसडक्शन में, हाँ, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यूकेरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? मैम गैमेट फॉर्मेशन का, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है सिर्फ, क्लियर है? मतलब कि जीन्स जो होते हैं वो रिकम्बाइन करके नए जीन का फॉर्मेशन करते हैं, बट उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं होता है ना, जो भी होता है वो क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं वेरिएशन आते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? तो वेरिएशन आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट यहाँ पे यूकेरियोट्स में क्या होते हैं, गैमेटिक गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है? जाइगोट बनते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन होता है, क्लियर है ये? Yes, तो जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा को हम क्या कहते हैं कि इनकी बाउंड्री क्लियर नहीं है, है ना? ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रोटिस्टा की बाउंड्री क्लियर नहीं है? क्योंकि प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं, ठीक है? इनके जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरे किंगडम के मेंबर्स की तरह भी सिमिलैरिटी रखते हैं, क्लियर है? प्रोटिस्टा जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर थ्री किंगडम्स। जैसे कि ये प्रोटिस्टा कुछ कुछ हमारा मोनेरा के जैसा होगा, कभी आप देखोगे कि कुछ कुछ फंजाई के जैसा भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स के जैसे भी होते हैं, कुछ सिमिलैरिटी एनिमलिया के जैसी होती है ना? तो प्रोटिस्टा क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है? ये बीच में आ रहा है, देख रहे हो? ये मोनेरा की तरह भी सिमिलैरिटी रखता है, फंजाई प्लांट्स एनिमलिया सबकी तरह सिमिलैरिटी रखता है, इसीलिए हमने क्या कह दिया कि प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोनेरा एंड द अदर थ्री किंगडम्स। नाउ कहते हैं प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है, बिकॉज
अच्छा प्रोटिस्टा आपको कहाँ मिलेंगे, इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं ना, आपको पानी वाली जगह पे ही ज्यादा मिलेंगे, मतलब ज्यादा के एक्वेटिक रीजन में ही प्रोटिस्टा मिलते हैं हमें। तो कैसे होते हैं ये? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इनका मूवमेंट कैसे होगा? फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों होते हैं इनके पास। सीलिया फ्लैजिला दोनों होते हैं, बट डिफरेंस कहाँ आता है? हमने स्टडी किया था बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होते हैं, सबसे बैक्टीरिया का फ्लैजिला क्या क्या होता है ये? बेसल बॉडी, हुक, होल्स होती है ना? ठीक है, तो ये जो इनका जो फ्लैजिला होता है, हाँ फिलामेंट, तो इनका जो फ्लैजिला होता है वो किस प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड ये सपोज क्लेमेटोमोनास का मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारा क्या है? प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर भी ये फ्लैजिला आप देख पा रहे हो, ये फ्लैजिला किस प्रोटीन से मिलता है? इनका जो प्रोटिस्टा का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो डिफरेंस कहाँ आता है इन दोनों के फ्लैजिला में? प्रोटीन का। ठीक है, जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला होते हैं ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, एंड जो प्रोटिस्टा के फ्लैजिला होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। नाउ इनका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से ग्रुप स्टडी करने हैं आपको प्रोटिस्टा के अंदर? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस, है ना? इन्हीं पांच ग्रुप को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक, सबसे पहले कौन से होते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं? क्राइजोफाइट्स, फ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। क्राइजोफाइट्स आ जाएंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स आएंगे, एंड थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स। सेकेंड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? सैप्रोफिटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिवीजन हो रहा है ना, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इनके अंदर कौन से हम स्टडी करेंगे? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? ये थोड़े थोड़े फंजाई की तरह सिमिलर होते हैं। ठीक है, दे हैव सिमिलैरिटी विद फंजाई। थर्ड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होगा या फिर पैरासिटिक टाइप का हो सकता है। इनके अंदर क्या आ जाएंगे? प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ। कुछ एग्जांपल बता सकते हो आप प्रोटोजोआ के? एमीबॉइड प्रोटोजोन, मलेरियल पैरासाइट प्लास्मोडियम,
हो सकते हैं। इनकी सिमिलैरिटी किससे होती है? मोस्टली एनिमल किंगडम से होती है। दे हैव सिमिलैरिटी विद एनिमल किंगडम। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में। आप नाम से समझ पा रहे हो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, इनमें मोस्टली प्रोटिस्ट एल्गी आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में सुना है आपने? आपने देखा होगा अपने आसपास में रिवर्स में या पॉन्ड्स में ऐसे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के बहुत सारे प्लांट्स उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रिवर को। देखा है वो क्या कर रहे हो? वो प्रोटिस्ट एल्गी हैं, है ना, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? वो सारा ऑक्सीजन भी हमारे रिवर का ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। एंड वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके के इंडिकेटर होता है कि वो पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, ठीक है। अगर वो ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन ज्यादा है। तो दीज आर पॉपुलरली नोन एज प्रोटिस्ट्स एल्गे। इनकी सिमिलैरिटी अब देख पा रहे हो कि ये एल्गे ग्रुप्स है ना, और एल्गे को हमने किस ग्रुप में रखा हुआ है? प्लांट के अंदर रखा हुआ है। प्लांट किंगडम में आते हैं एल्गे। प्रोटिस्ट्स एल्गे राइसोफाइट्स के अंदर हमें दो चीजों को पढ़ना है। कौन कौन सी है वो? राइसोफाइट्स के अंदर दो ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला होता है डेस्माइट्स। डेस्माइट्स को गोल्डन एल्गे भी बोला जाता है, ठीक है। बट डेस्माइट्स को हमें इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना है, हमें डायटम्स को, हाँ, डायटम्स को हमें डिटेल में स्टडी करना होगा। तो डायटम्स कैसे होते हैं? डायटम्स को आपने देखा है? नो मैम, नहीं देखे। नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देख रहे हो डायग्राम, डाई एटम्स, ये दो आप देख रहे हो बीच से डिवाइड है। yes, ma'am. इस तरीके से ये सारे क्या है? डाई एटम्स है। अलग अलग शेप के हो रहे, ये देखो ये अपने आप को किस तरीके से कवर करके रखते हैं,
दो शेल आपको दिख रही है ऊपर नीचे, बीच में अपने आप को इन्होंने कवर करके रखा है ना, एक शोकेस के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जैसे ये देखो शोकेस, सॉरी शोकेस के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखो ऊपर नीचे से अपने आप को कवर करके रखा है एंड तो इनका हैबिटेट क्या होता है, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एंड मैरिन वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैरिन वाटर में भी मिलेंगे। बाकी आगे देखेंगे हम डायनोफ्लैजेलेट्स वगैरह, तो वो कैसे होंगे, वो मैरिन वाटर में ज्यादा मिलेंगे, देन यूग्लिना ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ अगर मैं डायनोफ्लैजेलेट्स कह दिया कि मैरिन में मिलते हैं तो मैरिन में, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मोस्टली मैरिन में मिलते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं बट रेयरली, मोस्टली कहाँ मिलते हैं वो मैरिन में मिलते हैं। एंड ये डायटम्स कैसे होते हैं, मोस्टली ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एंड मैरिन में भी मिलते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इस तरीके से अपने आप को कवर करके रखते हैं सूटकेस की तरह। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये सेल वॉल होती है इनकी, है ना। इनकी जो सेल वॉल होती है काफी स्ट्रांग होती है, सिलिका से बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज प्लस सिलिका से बनी होती है जो कि काफी स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उनको अगर क्रश करना चाहोगे ना तो वो क्रश नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। सेल वॉल है सेलुलोज प्लस सिलिका से बनी है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं हाइपोथीका एंड ये ऊपर वाले को बोलते हैं एपिथीका। Yes, ma'am. Silica. क्या बोलते हैं जो सेल वॉल होती है इससे बोलते हैं फ्रेश सेल, फ्रेश सेल बोला जाता है। अच्छा, इनकी सिमेट्री जो होती है, अभी हम आपने देखा कि किस तरीके के होते हैं, एक तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। इनकी हम सिमेट्री की बात कर लेते हैं, आपने देखा कुछ कुछ राउंड शेप के भी आपको दिख रहे थे एंड कुछ बायलेटरल सिमेट्री के टाइप के दिख रहे थे ना। यस सर, एक शेप हमें इस टाइप का दिख रहा था एंड कुछ हमें राउंड शेप के भी दिख रहे थे। तो ये बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप इसे यहाँ से हाफ डिवाइड करोगे तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, है ना, इधर इधर बिल्कुल हाफ में डिवाइड होगा वो बायलेटरल में। एंड सेंट्रिक, सेंट्रिक टाइप क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, मतलब की इस तरीके से इसका डिविजन आप करोगे तो ये इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है, ये सेंट्रिक टाइप डिवीजन होता है। तो हमने देखा फर्स्ट जो होती है हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, सॉरी इसे बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, जिसे हम पिनेट टाइप भी बोलते हैं, पिनेट टाइप, ठीक है। इसका एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए नेविक्यूला, डायटम का एग्जांपल जो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है क्या है, नेविक्यूला,
सेकंड इज रेडियल सिमेट्री, ये कैसी होती है, सेंट्रिक टाइप। इसका एग्जांपल क्या है, मेलोसिरा। क्लियर है? अभी मैंने बताया क्योंकि ये सिलिका की बनी होती है, काफी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है इनकी, तो ये क्या होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, आप इनके सेल वॉल को तोड़ नहीं सकते, ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल। और ये क्या होते हैं, इनका सेल वॉल तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, तो अगर प्रोटेस्टा उनकी डेथ भी हो जाती तो क्या होता है, उनका सेल वॉल फिर भी रिमेनिंग रहता है ना, वो क्या होंगे, ओशंस के अंदर, मैरिन के अंदर क्या होंगे, या फ्रेश वाटर के अंदर अपने आप को एक्यूमुलेट करते जाते हैं, ठीक है, धीरे 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 करके। आप ऐसा आप कभी समंदर के अंदर ऐसा आप वीडियोस वगैरह देखना, आप देखना कि एक व्हाइट कलर का बहुत सारा लेयर इकट्ठा हो जाता है समुद्र के अंदर, ठीक है, तो सारे क्या है, वो सारे हमारे डायटम्स है, उनका सेल वॉल होता है, वो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं इनके सेल वॉल, तो ये एक डायटमिशियस अर्थ फॉर्म करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्म डायटमिशियस अर्थ, इस तरीके से इकट्ठा होते जाते हैं, वो बहुत लेयर पे लेयर बनाते जाएंगे, है ना, क्योंकि ये इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर पिगमेंट क्या क्या होगा, पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ग्लूकोजैंथिन, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, सो और भी कई तरह के पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, बट जो मेन पिगमेंट आपको ध्यान में रखना है वो कौन कौन सा रखना है, क्लोरोफिल ए और ग्लूकोजैंथिन। इनके पास भी रिजर्व मटेरियल होगा कुछ ना कुछ, जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेटिक टाइप टाइप प्रोटिस्ट है, तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सो इनका भी रिजर्व मटेरियल बनेगा, कैसे स्टोर करेंगे ये, इनका जो रिजर्व फूड होता है वो ऑयल होता है, एंड पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में भी रखते हैं, ठीक है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ल्यूकोसिन, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ल्यूकोसिन, ठीक है। देन इसमें वॉल्यूटिन के ग्रैन्यूल्स भी बनते हैं, वॉल्यूटिन के ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, मैम फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, हाँ फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, है ना, ठीक है। इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है, फ्लैजेला इज एब्सेंट, तो ये मूव कैसे करेंगे, अलोंग विद वॉटर करेंट, पानी के बहाव के साथ ही ये बहते जाते हैं, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, फोर्थ ऑटोट्रॉपिक, है ना, अच्छा ये ऑक्सीजनिक होंगे कि एनऑक्सीजनिक होंगे, ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक होंगे, गौरी ऑक्सीजनिक क्यों होंगे, ये मैम क्योंकि वाट, हाँ गौरी आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ऑक्सीजनिक एंड अनऑक्सीजनिक का, ऑक्सीजनिक क्यों होंगे ये,
हाँ दीपक आप बताओ। मैम, क्योंकि मैम ये हाइड्रोजन एच प्लस वाटर से मैम इलेक्ट्रॉन मिलता है ये करने के लिए, ग्लूकोज हाँ क्योंकि इनके पास क्या बनाने के होते लिए। हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होते हैं ना, तो फोटो सिस्टम यस टू मैम, में क्या होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीजन कहते हैं ना। यस मैम, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा कैसा होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा एंड माइटोसिस होगी। कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये, क्योंकि डायटम्स जो होते हैं इनका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है कि डायटम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ठीक है, सो ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, ठीक है, सो इस पॉइंट को बिल्कुल याद कर लेना। क्या होते हैं डायटम्स, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ये डायटमिशियस अर्थ तो फॉर्मेशन करते हैं, डायटमिशियस अर्थ को फॉर्म करते हैं क्योंकि ये इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। सेल वॉल जो होता है सिलिका का बना होता है, ठीक है, सेल वॉल जो होता है सिलिका का बना होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, सो इन्हें हम पॉलिशिंग में भी यूज करते हैं, पॉलिश करने में इनका यूज किया जाता है। बहुत सारे सिरप मेकिंग में यूज किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है, रफ होते हैं ना सिलिका से बने होते हैं, तो आप इनको फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये क्या होते हैं, प्रोटिस्ट एल्गी होते हैं ना, जो फाइटोप्लैंक्टन्स बना देते हैं प्लांट रिवर वाटर के ऊपर एक लेयर बनाते हैं फाइटोप्लैंक्टन की, तो वो क्या होता है, दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर वो ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रोटिस्टा जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, और क्यों हो रही है, क्योंकि आपके वाटर में पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है, ठीक है, पोल्यूशन का लेवल ज्यादा है तो वहां से उनको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है ना, सो दे आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। डायटम्स क्लियर है, कुछ पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो आप देखोगे, ठीक है, और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे, डायटम्स को आप लोग स्टडी करके आओगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लीना के बारे में पढ़ेंगे, यस मैम। ओके, ठीक है, आज की क्लास ले रहे हैं आप लोग को, यस मैम। ठीक है, चलो, थैंक यू।